अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मौज़ू गुफ्तगु वाजिबात नमाज। वाजिबात नमाज 11 हैं और वाजिबात नमाज दो किस्मों के हैं। एक किस्म को कहा जाता है वाजिब रुकनी और दूसरी किस्म को कहा जाता है वाजिब गैर रुकनी। वाजिब रुकनी वो हैं कि अगर उन्हें जानबूझ के या भूल के भी कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो नमाज बातिल हो जाएगी। और वाजिब गैर रुकनी वो हैं कि अगर उन्हें जान के कम या ज़्यादा किया जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी, लेकिन अगर सहवन कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे नमाज बातिल नहीं होगी। ये अरकान यानी ये रुकन 11 हैं। नंबर 1 नियत, नंबर 2 आयाम यानी नमाज में खड़ा होना, नंबर 3 तकबीरतुल अहराम यानी नियत के बाद अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 2 सजदे, नंबर 6 क़िरात यानी सूरह हम्द और एक छोटे सूरे की क़िरात या तस्बीहात अरबा, नंबर 7 ज़िक्र यानी सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दे, नंबर 8 तशहुद, नंबर 9 सलाम, नंबर 10 तरतीब यानी तरतीब से नमाज पढ़ी जाएगी। तरतीब से मुराद यानी पहले सूरह हम्द होगी, फिर सूरा होगा, फिर रुकू होगा, फिर सजदा होगा, फिर सजदे के बाद दूसरी रकत का पहले क़याम होगा, उसमें हम्द होगी, सूरा होगा, और नंबर 11 मवालात यानी इन तमाम कामों को एक के बाद एक करके अंजाम देना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फासला दे दिया जाए। आपके सामने वाजिबात नमाज को बयान किया और पहले भी तवज्जो दिलाई कि इनमें से कुछ रुकनी हैं और कुछ गैर रुकनी। रुकनी के बारे में हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि रुकनी वो वाजिबात हैं कि अगर इन्हें जानबूझ के कम या ज़्यादा कर दिया जाए या सहवन कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो नमाज बातिल होगी दोनों सूरतों में, और गैर रुकनी वो हैं कि अगर वो जानबूझ के कम या ज़्यादा किए जाएँ तो उनसे नमाज बातिल होगी, लेकिन अगर सहवन कम या ज़्यादा हो जाएँ तो उनसे नमाज बातिल नहीं होगी। वो वाजिबात के जो रुकन हैं वो 5 हैं। नियत नंबर 1, नंबर 2 तकबीरतुल अहराम यानी अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 3 क़याम तकबीर के वक्त भी और क़याम मुत्तसिल बे रुकू यानी जिस वक्त हम रुकू में जाने वाले हों उससे पहले एक मुख्तसर सा क़याम होना चाहिए। नंबर 4 रुकू और नंबर 5 सजदे। ये हैं वो 5 वाजिबात के जिन्हें कहा जाता है वाजिबात रुकनी। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें अपनी अपने रसूल अपनी हुज्जतों खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मार्फत और इताअत की तौफीक अता फरमाए।